आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ और मैं इतना तैयार क्यों हूँ। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छी होंगी। आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं 20K फॉलोवर्स, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये 20K फॉलोवर्स कम्प्लीट हुए हैं और ये ईद के दिन ही कम्प्लीट हुए थे, लेकिन उस समय टाइम नहीं था सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैंने सोचा जब ईद बीत जाएगा, थोड़े बहुत जो भी घर का काम होता है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ईद के बाद बहुत सारा काम होता है, तो मैंने सोचा उसके बाद अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मैंने 20K सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटा सा केक बनाया अपने हाथों से, जैसा हो सका वैसे बनाया, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे तो देखने में। मैं आपको भी दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा है। उसको कटिंग करके 20K फॉलोअर्स सेलिब्रेट करेंगे। रमजान में मेरे इंस्टाग्राम ब्लॉग वाले आईडी पे 10K फॉलोअर्स भी कम्प्लीट हो गए थे, तो मैंने सोचा उसे भी साथ में सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो मैंने दोनों केक पे 10K और 20K मैंने दोनों एक ही पे लिख दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं आपको केक दिखाती हूँ, फिर उसे कटिंग करेंगे। 20K फॉलोअर्स के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सारा प्यार दिया। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में बताइएगा कि मेरा ये सूट कैसा लग रहा है। मुझे पाकिस्तानी कुर्ती और कॉटन के सूट बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए अभी केक कटिंग करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा केक कैसा बना है। ये रहा हमारा केक, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है, इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था तो गलती से किसी ने हाथ रख दिया तो हल्का सा खराब हो चुका है। सेलिब्रेशन का एन यहाँ पे ऐड नहीं हो रखा था तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। आपको कैसा लग रहा है मेरा केक? यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा केक है बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। इसे मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था। और आप देखिए इसका कलर, इसका कलर मैंने व्हाइट और ग्रे रखा है। केक कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने कैमरे को सेट करके देखा कि पूरा यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको भी दिखना ज़रूरी है। और यहाँ पे जितने भी मेरे घर में बच्चे थे छोटे मोटे, सबको मैंने बुला लिया, क्योंकि अकेले कुछ भी चीज़ सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं जब भी कुछ भी सेलिब्रेट करती हूँ तो मैं सारे बच्चे को बुला लेती हूँ। बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने में एक मज़ा अलग ही होता है, तो यहाँ पर मैंने सारे बच्चों को बुला लिया है। फिर हम दोनों ने फाइनली केक कटिंग कर दिया और बहुत ज़्यादा मैं खुश हो रही थी, क्योंकि मेरे 20K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। आगे और भी बढ़ते रहेंगे तो और भी सेलिब्रेशन की वीडियो आती रहेगी। तो सबसे पहले 20K प्लस, मतलब 20K से अब आप जाके देखोगे तो मेरे 25.5K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था इस केक को कटिंग करने में। कोई बात नहीं, अभी उस समय मेरे पास टाइम नहीं था, अब है तो इसलिए मैंने अब सेलिब्रेट किया। मैंने केक कटिंग करके सारे बच्चों को खिला दिया, उसके बाद जो भी केक बचा था उसको भी कट करके मैंने सारे बच्चे को घर ले जाने के लिए दे दिया, क्योंकि इतना सारा केक कौन खाएगा, हम लोग तो नहीं खा पाएंगे, इसलिए से मैंने सारा केक दे दिया। जो भी थोड़ा सा बचा था वो मैंने ले लिया था, लास्ट में मैंने खाया था। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बना था। इसकी रेसिपी मैंने इंस्टाग्राम के अकाउंट स्वादिष्ट खाना पे अपलोड कर रखा है, आप जाकर देख सकते हो। सुबह सारी तैयारी करने में मुझे टाइम नहीं मिला था खाना खाने का, तो मैं दोपहर में खाना खा रही थी, तो मैंने बेसन की सब्जी बनाई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे।